हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबने लास्ट क्लास में एलईडी ब्लिंकिंग के बारे में समझा था और उसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया था, तो एलईडी ब्लिंकिंग के बारे में आपको पता चल गया होगा कि क्या होती है एलईडी ब्लिंकिंग। देन आज हम अपना जो टॉपिक है उसे स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नेम है एलईडी फेडिंग। तो फर्स्ट हम यही समझ लेते हैं कि एलईडी ब्लिंकिंग क्या होती है और एलईडी फेडिंग क्या होती है। सो मे बी आपको आपकी स्क्रीन पर एलईडी ब्लिंकिंग से रिलेटेड कोई एक वीडियो दिख रही होगी जिसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलईडी ब्लिंकिंग एंड एलईडी फेडिंग। नाउ वी विल मूव ऑन द कोडिंग पार्ट। जैसा कि आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर कि हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उस प्रोग्राम को आज हमें समझना है और उसके बाद फिर हमें प्रैक्टिकल करके देखना है। सो हम स्टार्ट करते हैं एलईडी ब्लिंकिंग के प्रैक्टिकल से। एलईडी ब्लिंकिंग में हमने पिन नंबर, जो भी आपको पिन नंबर ले रहे थे वो यहाँ पर लिख रहे थे, वो आप 9 के रिप्लेस करके वो पिन नंबर लिख रहे थे जो आपको नीड थी, या जो आपको मैं कह सकता हूँ कि जो आपको अच्छा लग रहा था वो पिन नंबर आप 9 के जगह पर लिख रहे थे। बट यहाँ पर फेडिंग में मैंने आपको पहले भी बताया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल, जो मैं आपको बता चुका हूँ और मैंने मे भी आपको 3-4 टाइम्स ये बता चुका हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग और डिजिटल। सो डिजिटल हमारा 0 और 1 पे वर्क करता है, इसका मतलब या तो वो ऑन हो सकता है या फिर वो ऑफ हो सकता है। बट इन एनालॉग केस ये पॉइंट्स पर वैरी करता है, ये पॉइंट्स पर हम इसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। कि हमें 0 से 1 तक की, 0 और 1 ही मैं ले लेता हूँ बाइनरी लैंग्वेज की, 0 पे ऑफ है और 1 पे ऑन है, तो 0 से लेकर 1 तक के बीच के हम पॉइंट्स पर वैल्यू को गेट कर सकते हैं और उससे हम एलईडी को ब्लिंक कर सकते हैं। जैसे आप अपने फ़ैन के साथ भी करते हैं, फ़ैन के साथ भी सिंपल आप ऐसे ही करते हैं, हम 0 को 0 ही लेते हैं और 5 को 1 ले लेते हैं। तो आप 0 और 1 वहाँ पर आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, या उसको हम रेगुलेटर भी कह सकते हैं, रेगुलेटर की हेल्प से आप उसको कंट्रोल करते हैं, इस फैन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। बट यहाँ पर आपको लाइट को कंट्रोल करना है, यहाँ पर आपको ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है एलईडी की। सो सिंपल है, हम उसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। पिन नंबर 9 पे हम लगा रहे हैं। पिन नंबर 9 पे हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पिन नंबर 9 जो है वो PWM पिन है। आपकी जो डिजिटल साइड है इसमें बहुत सारे PWM पिन होते हैं, आपने देखा भी होगा और आपको अब भी दिखाया जा रहा है कि इसमें पिन नंबर 3, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, पिन नंबर 9, पिन नंबर 10 एंड पिन नंबर 11। दिस इज द PWM पिन एंड PWM स्टैंड फॉर पल्स विद मॉड्यूलेशन। तो इसीलिए हम इसे पिन नंबर 9 पर ले रहे हैं, ठीक है। देन एलईडी को हमने पिन नंबर 9 पर लिया है। इसके बाद हमने एक ब्राइटनेस वेरिएबल लिया है। ब्राइटनेस की कहाँ से हमें स्टार्ट करनी है, एलईडी की ब्राइटनेस स्टार्ट करनी, तो हमें 0 से स्टार्ट करनी है। यहाँ पर देखिए हमने ब्राइटनेस इज इक्वल टू 0 लिया है, इसका मतलब एलईडी जो है उसके ब्राइटनेस अभी 0 है, इसका मतलब वो एलईडी अभी ऑफ है। और इसके बाद हमने नेक्स्ट वेरिएबल लिया है जिसका नेम है फेड अमाउंट, और फेड अमाउंट के आगे हमने 5 लिया हुआ है, इसका मतलब है कि कितने परसेंट हमें इंक्रीज करते हुए चलना है एलईडी की ब्राइटनेस को। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट लाइक कि आपने पहले ब्राइटनेस इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब पहले 0% ऑन हुई है आपकी एलईडी, उसके बाद आपने प्लस 5 कर दिया है, फेड अमाउंट आपने ऐड कर दिया है ब्राइटनेस में, तो आपकी अब कितना हो गया, अब आपका 5 हो गया। सो इसका मतलब आपकी 5% ऑन हो गई है। देन हम एक लूप चलाएंगे तो उसमें क्या होगा, वो दोबारा से अगेन उसको ऐड करेगा, तो 5+5 इज इक्वल टू 10, तो 10% आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी। सेम ऐसे ही 15% ऑन हो जाएगी, देन 20% ऑन हो जाएगी, और ऐसे चलती रहेगी जब तक आपकी एलईडी पूरी तरह से हाई नहीं हो जाती है। और आपकी एलईडी कब हाई होती है, जब आपकी वो वैल्यू 255 तक पहुंच जाती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब एलईडी की जो मैक्सिमम और ब्राइटनेस वैल्यू है वो 255 होती है, तो जब तक वो 255 तक नहीं पहुंच जाती तब तक वो इस टाइप से ऐड करते करते 255 तक पहुँचेगी। देन फिर सेम वही है, वॉइड सेटअप हम लिखते हैं। वॉइड सेटअप में हमें क्या बताना होता है, वॉइड सेटअप में हमें बताना होता है कि एलईडी का मोड क्या है। सो यहाँ पर एलईडी का मोड क्या है, आपको मैंने बता चुका हूँ, तो एलईडी का मोड है आउटपुट, क्लियर। एलईडी का मोड क्यों आउटपुट है ये भी आपको पता होगा। देन इसके बाद हम चलते हैं वॉइड लूप पर। वॉइड लूप, लूप का मतलब भी आपको पता है कि लूप क्या होता है, लूप क्या काम करता है, ये सब आपको पता है। देन देखिए यहाँ पर हम एनालॉग राइट लिखते हैं। एनालॉग राइट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि
हम जो पिन है 9 नंबर का जो पिन है वो हम एनालॉग की तरह यूज़ कर रहे हैं। PWM पिन्स को हम एज अ एनालॉग और एज अ डिजिटल हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो इसीलिए अब हमें यहाँ पर डिजिटल तो यूज़ नहीं कर सकते ना, डिजिटल तो 0 और 1 पे वर्क करेगा। इसका मतलब या तो आपकी LED ऑफ हो जाएगी या फिर आपकी LED ऑन हो जाएगी। बट यहाँ पर हमें LED की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है, तो हमें LED की ब्राइटनेस कहाँ पे कंट्रोल होगी, एनालॉग पर होगी। सो हम पिन नंबर 9 को एज अ एनालॉग ट्रीट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एनालॉग लिखा है। सो एनालॉग राइट का मतलब लिखना होता है। सो एनालॉग राइट मतलब कि एनालॉग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, LED को जो हम LED अपना कंपोनेंट ले रहे हैं उसको इतने परसेंट ऑन कर दे। सो ब्राइटनेस कितनी है, ब्राइटनेस की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो ब्राइटनेस की वैल्यू 0 है, देख लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ब्राइटनेस की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो आपकी 0% LED को ऑन कर दे। देन अब क्या करना है, मैंने आपको जो बताया था ऊपर कि आपको लिखना है ब्राइटनेस प्लस फेड अमाउंट। तो आपकी अगर मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा ब्राइटनेस, देन मैं थोड़ा सा यहाँ पर पहुँचता हूँ, एंड ब्राइटनेस इज इक्वल्स टू, ब्राइटनेस कितनी है हमारी, ब्राइटनेस है 0, देन प्लस, हम प्लस का सिंबल दे देते हैं, एंड देन 5। ये लाइन बनेगी कुछ इस लाइन का मतलब हमारा कुछ ये होगा, 0 + 5 होगा ब्राइटनेस हमारा, क्योंकि हम एक इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं इसलिए ब्राइटनेस बी ब्राइटनेस ही रहेगा, इसलिए मैंने बी लिखा हुआ है। देन इज इक्वल्स टू, फिर ब्राइटनेस को हमारी ब्राइटनेस 0 है तो हमने 0 लिखा हुआ है, देन प्लस 5, इसका मतलब हमारी 5 हमारी ब्राइटनेस हो गई है। देन अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये कंडीशन ट्रू है क्या, हम इस कंडीशन को चेक करेंगे क्योंकि हमने ये कंडीशन लिखी हुई है। अब इस कंडीशन को चेक करेंगे कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। सो इफ अगर हमारी ब्राइटनेस 0 या फिर 0 से कम हो जाती है, 0 या माइनस में चली जाती है हमारी ब्राइटनेस की वैल्यू, सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और ये और का सिंबल है, या फिर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो ये कंडीशन में क्या हो रहा है, ये वाली कंडीशन में हो रहा है कि हमारी वैल्यू ब्राइटनेस की जो है वो 255 हो जाती है या फिर 255 से अपर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो फिर हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई हो जाएगी। सो इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसमें से ना ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि हमारी वैल्यू जो 5 है वो ना 0 से छोटी है और ना 255 से बड़ी है। सो इस इफ लूप को वो अवॉइड कर देगा, इसको छोड़ देगा, ठीक है। जब इस पूरे इफ लूप को वो छोड़ देगा तो वो डिले पर आएगा, एंड डिले 30 सेकंड का लेने के बाद, डिले का मतलब देरी होता है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, तो 30 सेकंड की देरी के बाद वो अगेन लूप की हेल्प से ऊपर आ जाएगा, और अब यहां पर लिखेगा एनालॉग राइट LED कॉमा ब्राइटनेस। अब आपकी ब्राइटनेस की वैल्यू कितनी होगी, तो अब आपकी ब्राइटनेस की वैल्यू अगर हम कुछ लिखें तो कुछ ऐसा होगा, एनालॉग राइट मैं आपको पूरा नहीं लिख कर दिखा रहा हूं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं आपके समझने के लिए कि किस टाइप से आपको लिखा जाएगा। तो LED कॉमा ब्राइटनेस की वैल्यू अब 5 हो जाएगी, क्लियर। देन इस टाइप से आपकी 5% LED ऑन हो जाएगी। देन फिर क्या होगा, अब आपका यहाँ पर ये वाली पार्ट पर वो पहुंचेगा और यहाँ पर लिखा हुआ है ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस ब्राइटनेस की तरह ही सेम रहेगा। अब यहाँ वाले ब्राइटनेस को वो 5 लिखेगा क्योंकि ब्राइटनेस की वैल्यू 5 आ गई थी, 5 + 5 = 10। तो अब आपकी वैल्यू जो है ब्राइटनेस की वो 10 हो गई है। देन अब वो इफ लूप पे चेक करेगा कि इफ लूप आपका सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। सो अगेन ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये इसको अवॉइड करेगा और डिले 30 सेकंड का देने के बाद ये अगेन ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू 10 आ जाएगी, क्लियर। देन अब ये दोबारा से यहाँ पर पहुंचेगा और इस वैल्यू को 10 लिख देगा, 10 ये इसको प्रिंट करा देगा, 10 + 5 = 15 होता है। सो अब आपकी LED 15% तक ऑन हो जाएगी और सेम रिपीटेशन चलता रहेगा जब तक आपकी वैल्यू 250 तक नहीं पहुंच जाती। अब हम चेक करते हैं कि अगर आपकी वैल्यू 250 तक पहुंचती है उसके बाद क्या होता है। सो यहाँ पर अगर हम 245 लिख देते हैं, 245 + 5 = 250 होता है, इसको हम 245 नहीं लिख रहे हैं, इसको हम 250 लिख रहे हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ पर चेक कराना है कि हमारी कंडीशन, देखिए यहाँ पर हमारी कंडीशन एक सेटिस्फाई होगी। सो 250 + 5 = 255 हो जाता है। अब वो इस कंडीशन को चेक करेगा अगेन, सो इस कंडीशन में और स्टेटमेंट में ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। देखिए ब्राइटनेस की वैल्यू या तो इक्वल हो या फिर बड़ी हो 255 से, सो वैल्यू ब्राइटनेस की इक्वल है 255 की, सो दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब क्या करेगा, वो फेड अमाउंट को माइनस फेड अमाउंट में कन्वर्ट कर देगा, क्लियर।
देन उसने फिर इससे ब्रैकेट से बाहर आ गया और डिले लिया उन्हें 30 मिलीसेकंड का। देन वो दोबारा से ऊपर गया और यहाँ पर लिखा हुआ है एनालॉग राइट एलईडी कॉमा ब्राइटनेस। देन एलईडी कॉमा ब्राइटनेस, ब्राइटनेस की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 255 एलईडी की ब्राइटनेस हो जाएगी। इसका मतलब आपकी एलईडी पूरी तरीके से अब ऑन हो चुकी है, धीरे धीरे कर आपकी एलईडी ऑन हो चुकी है। अब वो क्या करेगा, अब जैसे हमने नीचे बताया है कि फेड अमाउंट को माइनस फेड अमाउंट में वो कन्वर्ट कर देगा, सो ब्राइटनेस इज इक्वल टू ब्राइटनेस प्लस और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस फेड अमाउंट, कुछ इस टाइप से आपको कंपाइलर रीड करेगा इस प्रोग्राम को। आप देन अब आपको पता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सो यहाँ पर कुछ ये लिखा जाएगा, इसे मैं कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से लिखेगा। सो कंट्रोल सी, देन हम यहाँ पर पहुँचते हैं और कंट्रोल वी, देन अब ये इसको कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा, ब्राइटनेस इज इक्वल टू ब्राइटनेस माइनस फेड अमाउंट। तो आपकी जो एलईडी की ब्राइटनेस है वो 255 है, तो 255 माइनस 5, अब यहाँ पर माइनस 5 हो जाएगा, सो आपकी एलईडी 250 जो ब्राइटनेस है वहां तक पहुंचेगी और दोबारा से इस कंडीशन को देखेगी, इसे कंडीशन सेटिस्फाई करती है या फिर नहीं। सो दिस कंडीशन विल नेवर सेटिस्फाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। देन फिर डिले लेने के बाद वो दोबारा से ऊपर आ जाएगा और ऐसे ही रिपीटेड टाइम तक वो चलता रहेगा जब तक आपकी वैल्यू 5, अब हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं, आपकी वैल्यू को देख लीजिए, यहाँ पर अब हमारी जो वैल्यू है वो 5 हो गई है, तो 5 माइनस 5 तो 0 वैल्यू हो गई है आपकी, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, देख लीजिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी अब, और अगेन वो फेड अमाउंट को माइनस फेड अमाउंट में कन्वर्ट कर देगा। देन हम दोबारा से ऊपर जाएंगे, वो दोबारा से 0 लिखेगा और 0 ब्राइटनेस पर ऑन करेगा, देन अब यहाँ पर जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, सो इसको दोबारा से वो प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो ब्राइटनेस प्लस फेड अमाउंट इस टाइप से वो इसको दोबारा से कन्वर्ट कर देगा माइनस फेड अमाउंट को प्लस फेड अमाउंट में, और जो आपकी ब्राइटनेस थी वो 0 प्लस 5 में चेंज हो जाएगी, देख लीजिए वो कुछ चेंज हो जाएगी 0 प्लस 5 में और ये वर्क करता रहेगा इस टाइप से। अब दोबारा से वो 255 तक जाएगा और 250 जाने के 5 जाने के बाद वो दोबारा से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका फेड अमाउंट। सो ऐसे आपका प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 करते करते आपकी एलईडी की ब्राइटनेस जो है वो पीक तक जाएगी, दैट मीन्स वो 255 तक जाएगी एंड 255 जाने के बाद वो डाउनफॉल हो जाएगी 20 तक, क्लियर। अब इसे प्रैक्टिकल में इसे अपलोड करते हैं और उसको देखते हैं कि किस टाइप से हमारा ये प्रैक्टिकल परफॉर्म होता है। Yeah.